मलाड़ना डूंगर थाना क्षेत्र में बजरी माफियाओं का दुस्साहस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं अब पुलिस भी इनसे महफूज नहीं है। बजरी माफिया पुलिस पर हमला करने से भी अब नहीं चूक रहे हैं, और ऐसा ही एक ताजा मामला थाना क्षेत्र के भूखा रोड का है, जहां नाकाबंदी के दौरान बजरी माफियाओं ने एक पुलिस कांस्टेबल को ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मार दी, जिसमें कांस्टेबल कैलाश मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कांस्टेबल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक समीर सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और घायल कांस्टेबल की कुशल शेक्ष पूछने के साथ ही घटना की पूरी जानकारी ली। तो वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में भी अब पूरी तरह से जुट गई है। आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल पर वार किया गया है, लगातार दुस्साहस जो है बजरी माफियाओं का जारी है, और अब पुलिस को भी मारने से नहीं चूक रहे हैं। बजरी माफियाओं का दुस्साहस एक बार फिर से देखने को मिला है, पुलिस कांस्टेबल पर ही इस बार हमला कर डाला है। पुलिस कांस्टेबल का अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली से हमला किया गया है पुलिस कांस्टेबल पर। बजरी माफियाओं का दुस्साहस लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब पुलिस को भी निशाना बना रहे हैं, इसी में ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मारी है। कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई भी पकड़ पकड़ गिरफ्तारी करने के जाते हैं तो जो भी बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो बचने की कोशिश करते हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता राशिद फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी राशिद, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। बिल्कुल लवीना, बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला रात करीब 2 बजे के आसपास का है, जब थाना क्षेत्र के भूखा रोड पर पुलिस नाकाबंदी कर जो बजरी के वाहन है उनकी जांच कर रही थी। इसी दौरान जब बजरी के 2 ट्रैक्टर आए तो पुलिस ने जो पहला ट्रैक्टर था उसको जब्त किया, और दूसरे ट्रैक्टर को पुलिस ने जब जब्त करने की कार्रवाई की, उसको रोकना चाहा तो जो ट्रैक्टर का चालक था उसने पुलिसकर्मी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया और पुलिसकर्मी जो वहां पर थे उनको जंग से मारने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस हरकत में आई है, हालांकि पुलिस दुर्घटना के बाद में ट्रैक्टर चालक जो है मौके से ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने पीछा भी किया है मगर जो ट्रैक्टर चालक था वो ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गया है। फिलहाल अगर पुलिसकर्मी की बात करें तो घायल अवस्था में जो पुलिसकर्मी है कैलाश मीणा, उसका उपचार सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। और पूरे मामले में जो है पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। लवीना, मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 के बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश रोक लगाई थी, उसके बाद से ही लगातार जो है इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। लवीना जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।